सो हे गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पांच ऐसे फेस वॉश मिस्टेक्स जो आप रोज करते हैं। नंबर वन, आप रोज अपने फेस में साबुन का इस्तेमाल करते हैं। साबुन में बहुत ही हार्मफुल केमिकल होते हैं, इसके वजह से आपका स्किन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और डार्क होने लगता है। नंबर टू, जब भी आप मार्केट में फेस वॉश लेने जाते हैं तो आप कोई सा भी फेस वॉश लेके आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर आपका स्किन ऑयली है और आपने मान लीजिए ड्राई स्किन टाइप सूट करने वाला फेस वॉश लेके आ गए तो वो आपके स्किन में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। नंबर थ्री, आप फेस वॉश लेके आने के बाद दिन में उसे दो या तीन बार यूज करते हैं, जिससे कि आपका स्किन बहुत ही डैमेज हो जाता है। फेस वॉश यूज करने का सही तरीका यह है कि आप उसे वीकली 3 से 4 बार यूज करें अगर आपको जरूरत महसूस हो। चौथा मिस्टेक ये करते हैं कि आप फेस वॉश करने के बाद कभी भी अपने स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। अपने स्किन को अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आपका स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है वो डाउन हो जाएगा, इससे कि आपका स्किन ड्राई लगेगा। पांचवा मिस्टेक ये है कि आप वीकली एक बार भी अपने फेस में फेस पैक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फेस पैक आप घर में भी बना सकते हैं या रेडीमेड खरीद सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि घर पे आप मुल्तानी मिट्टी खरीद के ले आइए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला के, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के आप उसको अच्छे से मिला लीजिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पानी, तो उसको आप वीकली एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कि आपका स्किन में जो धूल मिट्टी वगैरह जम के रह जाते हैं वो निकल जाएंगे और आपका स्किन धीरे धीरे ग्लो करने लगेगा। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर देखना है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।